कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है आज। आज शाम 6:30 बजे शुरू होगी कांग्रेस की ये अहम बैठक। 10 राज्यों की 60 लोकसभा सीटों पर यहां मंथन होगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता नसीर हुसैन की मौजूदगी में कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ है। तो सबसे पहले कहा गया कि ऐसा हुआ ही नहीं, नारे लगे थे नसीर हुसैन जिंदाबाद, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया और बचने के लिए कर्नाटका सरकार के पास कोई जगह नहीं थी तो उन्होंने गिरफ्तारी करी। उन्होंने गिरफ्तारी जिन तीन लोगों की करी है उसमें एक है मोहम्मद इल्ताज, जो तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। ये देखिए, पहली गिरफ्तारी मोहम्मद इल्ताज, मुनव्वर अहमद और मोहम्मद शफी, ये तीन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी दबाव में करी। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा क्यों कहते हैं देशवासी, उत्तर प्रदेश की सरकार में दो दिन पहले मंत्री बने सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो इन दिनों वायरल है, जिसमें राजभर अपने पीछे गमछे की पावर के बारे में बता रहे हैं। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर का ये वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने अपने पीले गमछे की ताकत बताई। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजार बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज लेगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। राजभर ने यह भी कहा कि पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, वही पुलिस सैल्यूट करेगी। इन्होंने कहा कि साहब पुलिस बहुत दौड़ा रही है। हमके क्यों दौड़ा रही है? कह साहब पता नहीं क्यों दौड़ा रही है, हमके नेता बन जाओ। और आपको याद दिला दें कि आज शाम 5:50 पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TV9 भारत वर्ष पर। ये देखिए काउंटर शुरू हो चुका है, सिर्फ 26:50 का वक्त बाकी है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का TV9 भारत वर्ष पर आप सुनेंगे संबोधन। और 17 मार्च को मुंबई में कांग्रेस का होगा शक्ति प्रदर्शन। न्याय यात्रा के समापन पर कांग्रेस का एक मेगा प्लान है, विपक्ष के सभी नेताओं को दिया जाएगा न्योता। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की ये बड़ी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से विधायकों को अयोग्य करार देने के ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किए हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हालांकि उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कई दलील दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, इसलिए इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। स्पीकर ने फैसले में 2018 के पार्टी संविधान को नकार दिया, ये बहुत अहम मुद्दा है। सिब्बल ने मायावती के मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में भी अनुच्छेद 136 की याचिका की अनुमति दी गई थी। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि महज विधान मंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को ही असली शिवसेना मानने का स्पीकर का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली सुनील प्रभु की याचिका पर शिंदे और उनके गुट के 38 विधायकों को नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र के स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था। उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। स्पीकर के इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।